धार्मिक आधार पर आरक्षण, धार्मिक आधार पर आरक्षण, यह भारत की संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और वह भी भारतीय मूल के होने चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो, ये जितने भी दल हैं, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चढ़ करके कभी स्वामी लक्ष्मणानंद जी के हत्यारों को संरक्षण देने का काम करते हैं, कहीं पर ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकारों पर घुसपैठ करना चाहते हैं। इनके मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे, आपको भी लगेगा ये मैनिफेस्टो भारत के किसी राष्ट्रीय दल के या किसी दल के हैं। आश्चर्य होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो। इनके द्वारा लगातार भारत की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने का प्रयास हो रहा है। इनके द्वारा जिस प्रकार की बातें कही जाती हैं, वरासत टैक्स की वकालत की जाती है, बहनों और भाइयों, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो या फिर इंडी गठबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य घटक हो। ये पूरी तरह भारत विरोधी आचरण इन लोगों का है। इनकी नीति आतंकवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला है, मतांतर को बढ़ावा देने वाला है, अराजकता को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, गरीब के हक पर डकैती डालने वाला है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।